जो कहते थे कि हाथ रोटियां बेलने के लिए बने हैं, अब उन्हें कह दो कि वे अपनी औकात में रहें। जो चूड़ियां पहनने की सलाह देते थे, आज वही लोग इन हाथों में बंदूक देख रहे हैं। बेचारे पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं कि वो इन महिलाओं से बॉर्डर पर दो दो हाथ करने आएगा। वो दिखती मासूम है पर दुर्गा की मूर्त है। चंचलता उनका गहना है पर पल भर में ही चंडी का रूप धारण कर लेती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीएसएफ की महिला सिपाहियों की, जिन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान ही तय कर लिया था कि उन्हें तो आर्मी में ही जाना है। उन्होंने बता दिया था कि बॉर्डर पर जाकर देश का पहरा करना है, पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय आर्मी के जवान सीमा पर डटे हुए हैं। बीएसएफ की ये महिला जवान भी फौजी भाइयों का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही हैं। वो सब जानती है कि दुश्मन के माकूल हमले का जवाब कैसे देना है। सूरज निकलते ही ये महिला जवान अपनी 5.56 mm इंसास राइफल अपने कंधे पर लटकाकर जम्मू के बॉर्डर आउटपोस्ट पर चली जाती है। आउटपोस्ट पर पहुंचकर ये महिला जवान तुरंत पोजीशन लेते हुए मोर्चा संभाल लेती है ताकि दुश्मनों को उनकी भाषा में जवाब दिया जा सके। इन महिला जवानों को मीडियम मशीन गन और 51 mm मोर्टार चलाने की ट्रेनिंग मिली है। अगर पाकिस्तान की ओर से होने वाली फायरिंग से स्थानीय लोगों को या बीएसएफ के उनके साथियों को कोई नुकसान पहुंचता है तो ये महिला जवान पाकिस्तान को जवाब देने में कोई रहम नहीं बरतती है। आपको बता दें कि बीएसएफ की ज्यादातर महिलाओं की उम्र 23 से 30 साल के बीच है। इन महिला सिपाहियों का मानना है कि जब से वे बीएसएफ में भर्ती हुई है, उनके घर वाले गर्व महसूस करते हैं। कुछ महिला जवानों को अखनूर, अरनिया जैसे संवेदनशील इलाकों पर तैनात किया गया है। 6 से 8 घंटे तक इन भारी राइफल को लेकर फौजी भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वे अपनी ड्यूटी निभाते हैं। इनका उद्देश्य एक ही रहता है, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना। दोस्तों, इन बहनों को बॉर्डर पर देखकर आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।